हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा नौवीं ब्रज कोर्स गणित। इसमें हम जो पूर्णांक है इसकी कार्यपत्रक पाँच पर हम पहुंच चुके हैं। इसके पहले कि कार्यपत्रक जो आपने हल नहीं किए हैं तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकती हैं। अब चलिए तो इसे हम हल करते हैं। क्या लिखा है? हल करना है ऋण एक धन ऋण सात। इसको हम हल करेंगे तो ऋण एक धन ऋण का हो जाएगा ऋण सात। अब देखिए हम ये आपको बता रहे हैं, हर बार बता रहे हैं, जब चिन्ह कैसे आ जाए समान तब हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। समान मतलब धन धन की आ जाए और ऋण ऋण की आ जाए, ये कहलाते हैं समान चिन्ह। तो हम जोड़ते हैं और जब चिन्ह आ जाए कैसे असमान तब क्या करना है घटाना है, और बड़ी संख्या में से घटाना है और बड़ी संख्या का क्या लगाना है चिन्ह लगाना है। ये आपको याद रखनी है बातें। अब देखना है यहाँ देखिए ऋण सात और ऋण एक, ऋण सात और ऋण एक हो चुके हैं मतलब समान चिन्ह आ गए। समान चिन्ह मतलब जोड़ना, ऋण एक और ऋण सात जोड़ देंगे तो हम ऋण आठ हमें मिल जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए ऋण दो आठ और धन ऋण का ऋण चार होता है। एक से जो ऋण ऋण के उनको हम अलग जोड़ लेंगे तो ऋण छः और आठ ज्यों के त्यों रहेंगी। अब असमान चिन्ह आ जाएंगे, ये असमान चिन्ह आ गए एक ऋण का एक धन का, तो असमान में क्या होता है असमान में होता है घटाना। तो हम बड़ी संख्या में से घटाएंगे, यहाँ बड़ी संख्या आठ है, आठ में से छः घटा देंगे हमें क्या मिल जाएगा दो है, जो हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल समझना है और प्रयास करना है सभी प्रश्नों को हल करने का। आप अपने मन में ये बिल्कुल ना रखें कि हमसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप लगातार प्रैक्टिस और प्रयास करती रहिए। प्रश्न क्रमांक जो तीसरा है इसमें देखिए ऋण बीस लिखा है, धन और ऋण का ऋण होता है। अब देखिए समान चिन्ह आ जाएंगे, समान चिन्ह में क्या होता है जुड़ना। बीस में हम तेरह जोड़ेंगे तो ऋण के तैतीस हमें मिल जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तेईस ऋण ऋण का क्या होता है गुणा में धन होता है, ऋण ऋण का यहाँ धन हो जाएगा, धन के बारह बन जाएंगे। तेईस और बारह जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगे पैंतीस, पैंतीस है जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा पैंतीस है जो आंसर हो जाएगा। इसके अगला प्रश्न जो दूसरा है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपने परिवार से जुड़ सकें। प्रश्न दूसरा है जो क्या है रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए तेरह लिखा है, प्लस का चिन्ह लगा है, बराबर में हमें जीरो चाहिए। अब तेरह प्लस यहाँ हम क्या लिख दें कि जीरो मिल जाए। अब बताइए आप यहाँ हम कौन सी संख्या लिख दें कि जीरो बन जाए, यहाँ हमें जीरो प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या होगी ऋण के तेरह। वह संख्या होगी ऋण के तेरह, वहाँ हमें ऋण तेरह भरना पड़ेगा तो हमें क्या मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा। यहाँ हमने ऋण तेरह भर दी। अगला देखिए दूसरा है ऋण चार लिखा है और धन क्या लिखा है यहाँ पर खाली स्थान है, बराबर में ऋण के बारह। अब बताइए ऋण बारह कब बनेंगे, ऋण बारह ये कब बनेंगे, ये जब हम इसमें ऋण आठ यहाँ जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे ऋण आठ हम यहाँ जोड़ देंगे तब बनेंगे ऋण के बारह। क्यों ऋण चार और ऋण आठ जुड़कर क्या बनेंगी बारह बनेंगे ऋण की। इस प्रकार इस दूसरे खाली स्थान में हमें क्या भरना पड़ेगा ऋण आठ। अब देखिए यहाँ खाली स्थान है, ऋण की पंद्रह लिखे हैं, बराबर में हमें ऋण दस चाहिए। ऋण की पंद्रह है हमें ऋण दस उत्तर में चाहिए, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा धन की दस। क्यों धन की दस और ऋण की पंद्रह ये घट करके बनाएंगे हमें क्या, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गलत आंसर लिख दिया यहाँ पर। यहाँ भरना पड़ेगा हमें क्या पाँच, यहाँ हमें पाँच भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा यहाँ पर पाँच भरना पड़ेगा। क्यों क्योंकि ये पाँच है और ऋण पंद्रह है, इनको हम जब घटाएंगे तब हमें क्या मिलेगा दस मिलेगा ऋण का। यहाँ क्या भरना पड़ेगा यहाँ पर हमें दस भरना पड़ेगा। आप यहाँ ध्यान रखें ऋण पंद्रह और धन के पाँच आएंगे तो हमें क्या मिलेगा ऋण की दस मिलेगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा वितरण गुणा से हल करना है। वितरण गुणा मतलब एक संख्या का इसमें करना फिर इसमें करना। देखिए हमने सबसे पहले छः सात बयालीस, छः आठ अड़तालीस, चार सौ अस्सी, फिर हमने धन लगा दिया, फिर देखिए छः तीरी अठारह ऋण अठारह आएंगी यहाँ पर।
क्योंकि गुणा में धन ऋण का ऋण होता है। अब देखिए जे 100 हमने 480 लिखे और यहाँ ऋण 18 लिखे। अब आ गए समान चिन्ह। समान चिन्हों में क्या होता है, जोड़ना होता है। तो 480 में हमने 18 जोड़ दिए तो हमें क्या मिल जाएगा, 498। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, इसमें क्या लिखा है, प्रश्न दूसरा में लिखा है 75, फिर लिखा है 8, गुणा करना है हमें 15 को। तो 15 का हम पहले 8 में करेंगे फिर हम 75 में कर देंगे। देखिए 15 अट्ठे 120 हमने धन की क्यों लिख दिए, क्योंकि 8 ऋण के थे और 15 भी ऋण के थे, गुणा में ऋण ऋण का धन हो जाता है, तो हमने इस कारण से 120 धन की लिख दिए। अब हम 15 का गुणा करेंगे 75 में, 15 × 75 हासिल में आएंगी कितनी, 7, 15 × 7 = 105 और 7 जोड़ देंगे तो 112। अब यहाँ हम ऋण लगाएंगे क्योंकि गुणा में 1 ऋण आए तो ऋण का ऋण ही रहता है, यदि गुणा में 2 ऋण आ जाए तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। अब हमें क्या क्या मिल गया, 111, 125 और 120। अब इनको हम घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ धन लगा है यहाँ ऋण लगा है, असमान चिन्ह हो जाएंगे, असमान चिन्हों में घटाना होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1105 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा, ऋण कितने लिखा है, ऋण लिखा है 4, गुणा करना है हमें ऋण 5 और धन 8 में। इसमें हम 4 का 5 में करेंगे पहले फिर यहाँ करेंगे। अब कर सकते हैं ऋण 4 का 5 में करेंगे, धन के क्या आएंगे, 20, क्योंकि गुणा में 2 चिन्ह आ गई, ऋण ऋण के आ जाएंगे तो धन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऋण 4 का हम धन 8 में करेंगे तो ऋण के क्या होंगे, 32, असमान चिन्ह आ गए, एक धन का एक ऋण का क्या होगा, घटाना, बड़ी संख्या में से घटाएंगे और बड़े का ही चिन्ह लगाना है, 32 में से हम 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण के 12 हमें मिल जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम क्या करना है, कार्य पत्रक 6, क्या लिखा है, कार्य पत्रक 6 को हम हल करेंगे। क्या है प्रश्न, ध्यान से हमें प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न क्या लिखा है, पूर्णांकों पर आधारित है जो कार्य पत्रक है, किस पर आधारित है, पूर्णांकों पर आधारित है। कैसे हमें हल करना है इसको, देखिए पूर्णांकों का योग निर्देश दिया है और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है, ये आपको बिल्कुल जरूरी बात है, आपको सभी को ध्यान में होना चाहिए। जैसे समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में क्या होती है, जुड़ती हैं, हम पहले ही बता चुके हैं जो समान चिन्ह आ जाए तो संख्या क्या होती है, जुड़ती हैं, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। अब असमान चिन्ह वाली संख्या हमेशा क्या होती हैं, घटती हैं, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। आपको याद रखना है कि समान चिन्ह आ जाए तो क्या करना है, जोड़ना है, और चिन्ह लगाना है बड़ी संख्या का, ये चिन्ह ध्यान रखना है, और असमान चिन्ह आ जाए तो घटाना है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाना है। अब गुणा में क्या होता है, ये देखिए गुणा के चिन्ह है। अब देखिए धन धन आए तो धन ही रहता है, ऋण ऋण आए तो धन ही रहता है, यदि एक ऋण एक धन आ जाए तो हमेशा क्या होता है, ऋण बन जाता है, एक ऋण और एक धन आ जाए तो ऋण बन जाता है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो प्रश्न है उनको हम हल करेंगे, देखिए निम्न प्रश्नों को हल करना। पहला प्रश्न ऋण 2 और ऋण 3, बताइए क्या आएगा, इनको हम जोड़ देंगे, समान चिन्हों में अभी देख चुके हैं समान चिन्ह में जोड़ना होता है, तो ऋण 2 और ऋण 3 5 ऋण की। अब देखिए असमान चिन्ह आ गए प्रश्न दूसरा में, यहाँ देखिए ऋण 4 लिखा और धन की 3 लिखी, क्या होता है असमान चिन्ह में, घटाना, बड़ी संख्या में से हम घटाते हैं बड़ी का चिन्ह लगाते हैं, ऋण 4 में से 3 घटाएंगे ऋण का 1 बचेगा। तीसरा समान चिन्ह आ गए 4 और धन 2, समान चिन्हों में क्या होता है, जोड़ना होता है, तो हम यहाँ देख लेंगे लिख देंगे 6, 10 ऋण 12, असमान चिन्ह आ गए, बड़ी संख्या में से हम घटा देंगे बड़ी संख्या यहाँ पर 12, 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा, उसका चिन्ह कौन सा था, ऋण का, तो हम ऋण लगा देंगे, ऋण 12 ऋण 15 समान चिन्ह आ गए जुड़ जाएंगे तो ऋण 27 हो जाएंगे, ऋण 20 धन के 10, ये क्या है असमान चिन्ह है तो घट जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा ऋण का 10 मिल जाएगा।
यहाँ लिखा है ए और बी के साथ योग करना है। क्वेश्चन है ए और बी के साथ योग करना है, योग ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको? ए धन बी लिख देंगे, ए कितना है 20, धन लिखेंगे बी कितना है ऋण की 25। अब देखिए यहाँ ये 20 और ऋण 25 असमान चिन्ह आ जाएंगे, तो बड़ी संख्या में से घटा देंगे, ऋण का 5 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे ऋण 10 ऋण 20, ऋण धन और ऋण का क्या होगा ऋण, ऋण 10 और ऋण 20 समान चिन्ह आ जाएंगे, ए जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह में क्या होता है जुड़ जाते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा ऋण 30 हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न तीसरा, ए बराबर ए कितना दिया है 14, बी दिया है ऋण 34, इनको क्या करना है जोड़ना है, जोड़ देंगे 14 और ऋण मान चिन्ह घट जाएंगे, यहाँ 20 आएगा उत्तर, 50 और 17 ऋण की जोड़ेंगे तो ये समान चिन्हों में फिर जुड़ जाएंगे तो 67 आ जाएंगे। ऋण 4 और ऋण 12 को हम जोड़ेंगे, ये समान चिन्ह आ जाइए, देखिए ये जुड़ जाएंगे, 12 4 कितने होते हैं 12 4 16 ऋण की। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, ए में से बी को घटाइए, ए में से बी को क्या करना है घटाना है। देखिए ऋण 20 घटाना है, मतलब ऋण का चिन्ह लगाना है, हमने ऋण लगा दिया, क्या घटाना है ऋण के 30 हमें घटाने हैं, ऋण के 30 हमें घटाने हैं। अब ऋण 20 ऋण ऋण का क्या होता है धन, क्या लिखेंगे 30, असमान चिन्ह आ जाएंगे तो बताइए घटाइए, बड़ी संख्या में से घटाएंगे, 20 में से 30 30 में से 20 को घटाएंगे 10 बचेगा, किसका है बड़ी संख्या धन का, तो धन 10 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा, 15 में से हमें क्या घटाना है, 15 में से घटाना है ऋण के 10 से, 15 ऋण ऋण का हो जाएगा धन 10 से, अब समान चिन्ह आ जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे, 15 10 कितने होते हैं 25 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा, ए मतलब कितना दिया है 34, 34 में से हमें क्या घटाना है ऋण के 16 घटानी है, ऋण ऋण का क्या होता है ऋण ऋण का होता है यहाँ धन, ये 34 लिखे हैं धन 16, समान चिन्ह आ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, 34 और 16 कितने होते हैं 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में आप सभी को? अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फिर है घटाने का, इसके आगे 38 में से 14 को घटाएंगे क्या आ जाएगा समान चिन्ह में जुड़ जाएंगे, तो 38 में हम 14 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 52 मिलेगा। अब यहाँ देखिए 45 में से घटाना है ऋण के 35, ऋण ऋण का धन हो जाएगा, 45 और 35 को जोड़ेंगे तो हमें 80 मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा, चौथे प्रश्न में लिखा है सरल करना है, क्या करना है सरल। पहला है ऋण 3 और ऋण 2, इसको हम हल करेंगे तो धन 2 आ जाएगा और धन 3, अब इनको क्या करना है 3 में से 3 कट जाएंगे 2 बचेगा, आंसर क्या आ जाएगा 2। धन 10 धन ऋण कोष्टक में 4 ऋण 5, धन और ऋण का क्या होगा ऋण 4, यहाँ हमने ऋण 4 लिख दिए। अब देखिए धन धन के अलग जोड़ लेंगे और ऋण ऋण के इनको अलग जोड़ लेंगे, धन के 10 ऋण 4 और ऋण 5 क्या होंगे ऋण 9, आसमान चिन्ह आ जाएंगे तो घटा देंगे तो 1 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। 35, अब देखिए ये ऋण ऋण वाले अलग जोड़ लेंगे, देखो ऋण के 35 और ऋण के कितने हो जाएंगे फिर 40 हो जाएंगे, ऋण के 35 और ऋण के 5 जोड़ेंगे तो ऋण के 40 और 10 है जो ये 10 हमने लिख दिए, अब आसमान चिन्ह आ जाएंगे तो बड़ी संख्या में ऐसी हमें घटाना है, 40 में से 10 घटाएंगे 30 बचेगा, ऋण लगा देंगे क्योंकि ऋण बड़ी संख्या में लगा है। 20 ऋण 4 और यहाँ ऋण ऋण का क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, धन 3 लिख दिए, अब इनको हम जोड़ लेंगे 4 और 3 कितने होते हैं 7, देखिए 20 ऋण 7, 20 में से हम क्या घटाएंगे यहाँ देखिए क्या लिखा है 20 और ये देखिए ऋण 4 धन 3, तो इनको हम जोड़ेंगे 20 और 3 को जोड़ेंगे 23,
तो इसमें से हम चार घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमें 19 मिल जाएगा। ये हमारा होगा आंसर। पांचवा 11 ऋण 7 धन ऋण 4, इनका होगा ऋण, धन और ऋण का होता है ऋण। अब ए जुड़ जाएंगे 11 हो जाएंगे, 7 4 क्या हो जाएंगे 11, ऋण की धन की 11 में से ऋण की 11 घटाएंगे क्या आएगा 0, क्या मिलेगा हमें 0। तो यहाँ हमने जो कार्य पत्रक हल कर रहे थे वहाँ हम 6 तक को हम हल कर चुके हैं। इसके आगे जो कार्य पत्रक 7 है उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि वो भी अपने परिवार का हिस्सा बन सकें।